हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेक मशीन में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टेक न्यूज नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्या क्या टेक न्यूज है आज की। तो पहली खबर यहाँ पे आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने अपना जो नोट 7 फोन था उसको रीलॉन्च कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे उसको रीलॉन्च क्यों किया है। अगर आपको नहीं पता है तो सैमसंग के जो अभी नोट 7 उन्होंने लॉन्च किए थे उसमें बहुत ही फ़ोन की बैटरी एक्सप्लोड होने की बहुत ही परेशानी आ रही थी। दुनिया में कम से कम 70 से 80 फ़ोन एक्सप्लोड हो गए थे। तो सैमसंग ने अपने फ़ोन्स को, जितने भी कस्टमर्स थे उनके फ़ोन को रिप्लेस किया और इसको दोबारा से रीलॉन्च साउथ कोरिया में कर दिया है। और ये धीरे धीरे ही पूरी वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो जाएगा दोबारा। अगली खबर भी आ रही है सैमसंग के A8 ड्यूओस फोन से, जो कि सैमसंग का पिछले साल लॉन्च हुआ था फ़ोन सैमसंग A8 ड्यूओस। उसमें अब मार्शमेलो हिट कर गया है। मतलब कि सैमसंग वालों ने उस फ़ोन के लिए मार्शमेलो ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया है। तो अगर आपके फ़ोन में यह अपडेट अभी तक नहीं आई है तो आप सेटिंग्स में जाके, अबाउट फोन में जाके अपनी अपडेट चेक कर सकते हैं। ये धीरे धीरे रोल आउट होगी पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर तीसरी खबर आ रही है लेनोवो की तरफ से। लेनोवो ओन कंपनी मोटोरोला ने अपने 2 नए फ़ोन आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मोटो जेड एंड मोटो जेड प्ले। मोटो जेड की कीमत है करीब 40,000 रुपये और मोटो जेड प्ले की कीमत है 25,000 रुपये। और यह फ़ोन एक ट्विस्ट के साथ आया है कि ये जो मोटोरोला ने अपने फ़ोन लॉन्च किए हैं, यह मॉड्यूलर फ़ोन लॉन्च किए हैं। इसके अंदर आप मोड्स भी लगा सकते हैं अलग अलग, जैसे कि आप प्रोजेक्टर लगा सकते हैं, अलग से कैमरा लगा सकते हैं, लेंसेज लगा सकते हैं उसके अंदर। और ये सारी इसकी कीमत मोटोरोला ने लॉन्च कर दिया। आप यहाँ पर इसकी जो कीमतें देख सकते हैं मोड्स की। जो फोन आया है उसके अंदर 5.5 इंच की हमें क्वाड SD सुपर AMOLED डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर 4 GB रैम मिल जाएगी और पीछे की तरफ 13 MP का कैमरा है और आगे की तरफ 5 MP का फ्रंट शूटर दिया इसमें गया है। और इसके अंदर बात करें इसके GPU की, तो इसके अंदर GPU 530 है एड्रीनो का। बात करें अगर इस फोन के प्रोसेसर की, तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 820 प्रोसेसर दिया गया है। बात करते हैं स्टोरेज की, तो इसके अंदर 64 GB और 128 GB और यह 256 GB के मॉडल में भी अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं मोटो जेड प्ले की। मोटो जेड प्ले के अंदर स्नैपड्रैगन का 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। 3 GB रैम के सपोर्ट करता है। इसमें 16 MP का बैक कैमरा दिया गया है। 5 MP का फ्रंट शूटर इसके अंदर दिया गया है। और यह हमको 32 GB और 64 GB के वेरियंट में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 5.5 इंच की फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले में हमें देखने को मिल जाएगी। और ये फोन भी मॉड्यूलर फोन है। इसके अंदर भी आप अलग अलग मोड्स हैं जो कि अलग अलग उसकी प्राइसिंग है, जिसकी आपको पिक मिल जाएगी। चौथी खबर आ रही है ओनर की तरफ से। ओनर का जो नया ओनर अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है अक्टूबर 12 को, जिसका नाम होगा ओनर 8। हमको स्नैपड्रैगन का 810 या 820 प्रोसेसर हमें देखने को मिल सकता है इसमें। और 4 GB रैम हमें इसके अंदर देखने को मिल सकती है और 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ हमें फोन देखने को मिल सकता है। आखिरी और फाइनल खबर आ रही है आज के लिए, जो कि आज अक्टूबर 4 है और गूगल अपने 2 नए फोन अभी लॉन्च करने वाला है। 9:30 बजे से फोन की लॉन्च इवेंट जो स्टार्ट होगा। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जहां पर आप गूगल के नए फोन जो कि पिक्सल फोन है, पिक्सल फोन और पिक्सल एक्सेल फोन, उसका आप लाइव इवेंट देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखते हैं आज के इवेंट में गूगल क्या क्या नया करेगा।